Today I am going to start chapter 5. The name of the chapter is Survey System and Security System. Before we start the chapter, we will know about Survey System and Security System. First of all, Survey System. The organ that helps to transport substance to different part of our body is called Survey System. And the organ system that help to remove waste from our body is called respiratory system. Circulatory system consists of blood vessel and blood. There are three type of blood vessel. First is artery, vein and capillary. Now let us read about all these functions. Now come to page number 53, circulatory system. The circulatory system transports substance inside our body. It consists of the heart, a network of blood vessel and blood. Circulatory system ये जो है transport substance means nutrients, जो कि वह nutrients जो है जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वह जो है nutrients वह blood में convert होते हुए और पूरे parts of body में circulation के द्वारे या जो हमारे बॉडी में जाता है इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट. ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन थ्री पार्ट्स होते हैं जो कि यह है, पहला है यह हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल और उसके बाद ये ब्लड. दिस इज द फिगर ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज आवर हार्ट एंड देयर आर टू ब्लड वेसल एंड विच आर रेड एंड ब्लू कलर. रेड कलर इंडिकेट आर्टरीज एंड ब्लू कलर इंडिकेट वेन्स. नाउ हार्ट. द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गेन दैट पंप ब्लड इंटू द लार्ज ब्लड वेसल विच ब्रांच इंटू ए स्मॉलर वन टू रीच ऑल द ऑर्गेन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. द हार्ट ऑल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम द ऑर्गेन ऑफ द बॉडी. हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो कि यह जो है पंप ब्लड यानी कि ब्लड को खींचते हुए ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में यह भेजता है. द हार्ट ऑल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम द ऑर्गेन ऑफ द बॉडी. और हार्ट विभिन्न ऑर्गेन से जो भी ब्लड जो होता है वह फिर वह हार्ट में वह वापस रिसीव भी करता है. ब्लड वेसल. दीज आर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड रन थ्रू द इंटायर बॉडी फॉर्मिंग ए नेटवर्क. ब्लड वेसल जो है वह बिल्कुल वह थिंस यानी कि पतले एक नली के समान होते हैं जो कि यह स्टार्ट यह हार्ट से स्टार्ट होते हुए पूरे बॉडी में यह नेटवर्क के समान यह दौड़ता है. दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. और फिर ब्लड वेसल जो है वह विभिन्न ऑर्गेन से भी ब्लड लेते हुए फिर वह वापस वह जो है वह हार्ट में वह जाता है. द हार्ट द ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स आर्टरीज वेन एंड कैपिलरी. और ये ब्लड वेसल जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, पहला हुआ आर्टरीज, दूसरा वेन्स एंड तीसरा कैपिलरीज. नाउ नेक्स्ट इज आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज का ये कलर जो है वह रेड होता है. यह रेड ये आर्टरी जो है हार्ट से वह जो ब्लड लेता है और पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में वह प्योर ब्लड को वह भेजता है. नेक्स्ट इज वेन्स. वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. और ये वेन जो कि वह ब्लू कलर से है वो जो भी इम्प्योर ब्लड जो है वह लेते हुए फिर वापस जो है वह हार्ट में वह भेज देता है. आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू ए स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल कॉल्ड आर्टेरियोल्स. ये जो आर्टरीज का ये एक ब्रांच है जिसको हम लोग आर्टेरियोल्स बोलते हैं. दिस फर्दर ब्रांच इनटू इवन स्मॉलर ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरी. और फिर इसका ये जो है एक फर्दर एक छोटा छोटा हुआ एक ब्लड वेसल्स है जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं. कैपिलरीज आर द स्मॉलर ब्लड वेसल. कैपिलरी जो है वह सबसे छोटा ब्लड वेसल्स होते हैं. मेनी कैपिलरी यूनाइट टू फॉर्म वेन. और बहुत सारी कैपिलरीज वह इकट्ठे होकर हुआ एक वेन्स का वह फॉर्मेशन करते हैं. कैपिलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. कैपिलरीज हेल्प वह एक्सचेंज हेल्प करता है
और एक्सचेंज गैसेज गैसेज को एक्सचेंज करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। और वाटर और जो भी जो न्यूट्रिएंट्स थिंग्स जो होते हैं वह ब्लड और टिश्यूज में वह उसको वह एक्सचेंज करता है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। ब्लड ब्लड का वह कलर जो है वह रेड होता है जो कि फ्यूल या कि तरल पदार्थ होते हैं जो कि वह ब्लड वेसल से होते हुए हार्ट में जाता है या फिर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू हार्ट। फिर उसके बाद वह विभिन्न ऑर्गेन्स में होते हुए फिर वह वापस वह हार्ट में ही जाते हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व फ्रॉम फूड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनसाइड द बॉडी। और यह जो है न्यूट्रिएंट्स जो कि वह हमें भोजन से मिलता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वह हमारे शरीर में वह विभिन्न ऑर्गन्स तक ये पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी टू एक्सक्रेटरी सिस्टम सो दैट दे कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट और यह जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वह एक्सक्रेटरी सिस्टम तक यह पहुँचाते हैं सो दैट दे कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इससे जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम से होते हुए जो भी जो हमारे वेस्ट थिंग्स हैं वह हमारे शरीर से वह बाहर निकल आते हैं।